आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं 1993 की सुपर हिट और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के बारे में। बताएंगे फिल्म की स्टार कास्ट, फिल्म की स्टोरी, फिल्म के गीत संगीत और कमाई के बारे में। साथ ही साथ बताएंगे कौन कौन सी फिल्म रही थी वर्ष 1993 में कमाई के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर। बताएंगे वर्ष 1993 में बनी कौन कौन सी फिल्में हुई थी फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट। किस फिल्म ने जीता था वर्ष 1994 के लिए फिल्म फेयर समारोह में बेस्ट फिल्म का अवार्ड। साल 1993 में कौन कौन सी हिट फिल्में हुई थी रिलीज। जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें, आल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वर्ष 1993 में कमाई के मामले में नंबर 3 पर रही थी शाहरुख खान, सनी देओल, जूही चावला की फिल्म डर। फिल्म ने भारत में कमाए थे 10,75,00,000 रुपये। फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही थी, जबकि नंबर 2 पर रही थी माधुरी दीक्षित, संजय दत्त की फिल्म खलनायक। फिल्म सुपर हिट रही थी, फिल्म ने कमाए थे 12,50,00,000 रुपये और नंबर 1 पर 14,00,00,000 की कमाई के साथ रही थी गोविंदा चंकी पांडे की फिल्म आंखें। बात करते हैं फिल्म आंखें के बारे में। फिल्म रिलीज हुई थी 9 अप्रैल 1993 को। फिल्म के निर्माता हैं पहलाज निहलानी, निर्देशक हैं डेविड धवन। फिल्म में संगीत दिया था पप्पी लहरी ने और फिल्म के गीतकार हैं इंदिवर। फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए थे गोविंदा, चंकी पांडे, कादर खान, शक्ति कपूर, राज बब्बर, शिल्पा शिरोडकर, रितु शिवपुरी, सदाशिव अमरारपुरकर, जबकि सहायक भूमिका निभाई थी अन्नु कपूर, गुलशन ग्रोवर, रजा मुराद, यूनुस परवेज, बिंदु और दीना पाठक ने। बात करते हैं फिल्म के गानों की। फिल्म के गाने उस वक्त के जबरदस्त हिट गानों में शुमार थे। पप्पी लहरी के बेहतरीन संगीत को आवाज दी थी ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता को कुमार सानू, अलका याग्निक, कविता कृष्णामूर्ति ने। बड़े काम का बंदर को गाया था मोहम्मद अजीज, कुमार सानू, गोविंदा और चंकी पांडे ने। अंगने में बाबा दवारे पर माँ को स्वरबद्ध किया था साधना सरगम और कुमार सानू ने। एक तमन्ना जीवन की कुमार सानू और आशा भोसले ने गाया था। चौखट पे तुम्हारी हम को आवाज़ दी थी कुमार सानू, मोहम्मद अजीज और सपना मुखर्जी ने। बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में, तो कहानी दो शरारती भाइयों गोविंदा और चंकी पांडे की है जो अपनी हरकतों से अपने पिता कादर खान को परेशान करते हैं। पिता से पैसा लेने के लिए मजाक और झूठ का सहारा लेते रहते हैं। फिर अक्सर ऐसे लोगों की सच्चाई पर भी लोग विश्वास नहीं करते हैं। फिल्म में दिखाई गई इसी तरह की घटनाएं गोविंदा और कादर खान की और फिल्मों में भी दिखाई गई है, परंतु घटनाक्रम कुछ अलग तरीके से दिखाया गया है। फिल्म दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रही है। गोविंदा और कादर खान की जोड़ी फिल्म में हो और दर्शक हंसे नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। कुल मिलाकर गीत संगीत हास्य तथा फिल्म की कहानी में दर्शक कहीं भी बोर नहीं होते हैं। कलाकारों की एक्टिंग की बात की जाए तो गोविंदा, कादर खान, चंकी पांडे, सदाशिव अमरारपुरकर, शक्ति कपूर, राज बब्बर ने फिल्म में अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। बात करते हैं फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, फिल्म आंखें में एक बंदर ने भी रोल निभाया था जिसका नाम बजरंगी था। इस बंदर को फीस के तौर पर 5,00,000 रुपये दिए गए थे, जबकि चंकी पांडे को 2,50,000 रुपये दिए गए थे। फैक्ट नंबर 2, कादर खान, गोविंदा और राज बब्बर ने इस फिल्म में डबल रोल निभाए थे। फैक्ट नंबर 3, ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता गाना उस जमाने में जबरदस्त हिट हुआ था। फैक्ट नंबर 4, शिल्पा शिरोडकर वाले रोल के लिए पहले जूही चावला को अप्रोच किया गया था। फैक्ट नंबर 5, चंकी पांडे के अपोजिट दिव्या भारती को अप्रोच किया गया था, परंतु दिव्या गोविंदा के अपोजिट काम करना चाहती थी। 1993 में रिलीज हुई फिल्म्स के लिए 1994 में 39वां फिल्म फेयर समारोह आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म खलनायक को 11
बाजीगर और डर को 10-10 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, जबकि आंखें फिल्म 4 कैटेगरी में नॉमिनेट हो पाई। आमिर खान जूही चावला की फिल्म हम है राही प्यार के को 1993 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 1994 में हुए फिल्म फेयर समारोह में बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया। दामिनी और बाजीगर सबसे ज़्यादा कैटेगरी में अवार्ड जीतने वाली फिल्म बनी। साल 1993 में कई सुपरहिट फिल्में रिलीज हुई, जिनमें आंखें, डर, बाजीगर, खलनायक, दामिनी, हम है राही प्यार के, रोजा, तिरंगा, अनाड़ी, इन सभी फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें।